केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से उड़ान योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना उद्देश्य था। इसी को लेकर बोकारो में 40 वर्ष पुराने बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एयरपोर्ट को इस योजना के तहत लिया गया और यहां से 70 से 80 यात्रियों को ले जाने वाले विमान की उड़ान सेवा शुरू किए जाने की योजना बनाई गई। 25 अगस्त 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस एयरपोर्ट के कार्य का शिलान्यास किया। वर्ष 2019 में इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू की जानी थी, लेकिन कुछ ऐसी अड़चने आई जिसके कारण आज तक यहां से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। हालांकि देश के प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर के हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसे में बोकारो के लोगों को भी यह उम्मीद थी कि इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री किसी दिन कर देंगे और यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट का काम देख रही एजीएम सिविल प्रियंका शर्मा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक संजय वैद ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। एज ऑफ नाउ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे हमारे आउटलाइन थे एमओयू में, उन सारे वर्क्स को कंप्लीट कर दिया गया है और अब जो भी है हमारा लाइसेंस ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद हम कुछ उम्मीद अच्छी कर सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। टर्मिनल बिल्डिंग रेडी है हमारा, फायर स्टेशन भी बन गया है, बाउंड्री वॉल भी हो गई, रनवे एप्रन सब कुछ रेडी है। आपके एंड से पूरी तरह मेरे एंड से हमारे एंड से जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज आउटलाइन थे उन सारे एक्टिविटीज को एज ऑन डेट कंप्लीट कर दिया गया है। यह झारखंड वासियों का परम सौभाग्य है कि आगामी 12 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं और हमारा बोकारो का एयरपोर्ट जो है वो भी एयर स्ट्रिप उसकी बन के तैयार है। इसके अलावा जो सिविल का जो काम है सारा बन के वहाँ पे तैयार है। केवल जो एक अड़चन थी पेड़ काटने की, यदि प्रशासनिक के मदद के द्वारा यदि उस पर उसका समाधान कर दिया जाता तो निश्चित रूप से आज हमारा बोकारो का एयरपोर्ट भी चालू हो जाता और बोकारो वासियों की जो हवा में उड़ने की तमन्ना है वो पूरी हो जाती। हम अभी भी आशावादी लोग हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र जो भी अड़चन आ रही है बोकारो एयरपोर्ट को शुरू करने में, उसको चालू करने में, तो प्रशासन उसको यथाशीघ्र उस विघ्न को दूर करके और यहाँ के लोगों की आशाएं हैं उसको पूरा करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।